हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ चुका है। 90 विधानसभा सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जिसमें उम्मीदवारों की साख दांव पर है, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो उम्मीदवारों की वजह से वीवीआईपी बन चुकी हैं। आज हम ऐसी सीटों के बारे में बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। पहली वीवीआईपी सीट की बात करें तो वो सीट है करनाल विधानसभा सीट। सीएम मनोहर लाल इसी सीट से जीतकर 2014 चुनाव में हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए थे। सीएम मनोहर लाल के जुड़े होने की वजह से ये सीट वीवीआईपी बन गई है। कांग्रेस ने इस बार अल्पसंख्यक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन त्रिलोचन सिंह को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर INLD तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर थी। पूर्व फौजी तेज बहादुर JJP के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दूसरी वीवीआईपी सीट है गढ़ी सांपला किलोई। दो बार सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। BJP ने इस सीट से सतीश नांदल को चुनावी मैदान में उतारा है। सतीश नांदल INLD छोड़कर BJP में शामिल हुए थे। JJP से डॉक्टर संदीप हुड्डा है तो वहीं INLD ने कृष्ण कौशिक को टिकट दिया है। टोहाना से हरियाणा BJP के बॉस सुभाष बराला ताल ठोक रहे हैं। बराला को 2004 और 2009 में टोहाना से शिकस्त मिली थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर और डेरा के समर्थन से उन्होंने विधानसभा के लिए जीत दर्ज की। बराला को असली चुनौती कांग्रेस छोड़कर JJP में शामिल हुए देवेंद्र सिंह बबली दे रहे हैं, जो 2014 में तीसरे नंबर पर रहे थे। खास बात यह है कि बबली को पिछली बार इनेलो के टिकट से चुनाव लड़ने वाले निशान सिंह का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनावी समीकरण पर करीब से निगाह रखने वालों का मानना है कि इस बार अभी तक के सीन में बराला पर भारी पड़ रहे हैं बबली। INLD से इस सीट पर राजपाल सैनी उतरे हैं तो कांग्रेस से परमवीर सिंह प्रत्याशी हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनी परंपरागत सीट अंबाला कैंट से इस बार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने अनिल विज के मुकाबले वेणु सिंगला को उतारा है। वहीं INLD से ओंकार सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ हल्के से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व CPS राव दान सिंह को टिकट दिया है। JJP से फौजी राव रमेश को, INLD से राजेश सिंह मैदान में हैं। जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से कविता जैन चुनावी रण में उतरी हैं। कविता जैन सोनीपत हल्के से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में दूसरी बार जीतकर मनोहर लाल सरकार में शहरी निकाय मंत्री बनी थी। कांग्रेस ने इस सीट से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है। JJP ने अमित तो INLD ने बालकृष्ण शर्मा को मैदान में उतारा है। रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट कैथल से चुनावी मैदान में है। हरियाणा के साथ साथ केंद्रीय राजनीति में रणदीप सुरजेवाला भी काफी सक्रिय हैं। मोदी चुनावी में भी रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में ओवरऑल कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। BJP ने लीला राम गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं JJP से रामफल मलिक टक्कर देने मैदान में उतरे हैं, तो INLD से अनिल कुमार विधानसभा के दंगल में उतरे हैं। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार इसराना हल्के से फिर मैदान में हैं। INLD छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे। उनके मुकाबले कांग्रेस ने बलबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। JJP ने दयानंद उरलाना को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं INLD ने रवि कलसन को टिकट दिया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु फिर नारनौंद सीट से मैदान में हैं। 2014 में वो पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे और वित्त मंत्री का अहम ओहदा मिला। कांग्रेस ने यहां से बलजीत सिहाग को उतारा है। वहीं JJP से रामकुमार गौतम प्रत्याशी हैं। वहीं INLD से युवा नेता जस्सी पेटवाड़ को कैंडिडेट बनाया गया है। सूबे के कृषि मंत्री OP धनखड़ बादली सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2014 में पहली बार इस सीट से जीते और सरकार में अहम पद भी पाया। ओम प्रकाश धनखड़ ने निर्दलीय कुलदीप वत्स को 9000 वोट से हराया था।
कुलदीप वत्स इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेजेपी ने संजय कबलाना को चुनावी रण में उतारा है, तो INLD ने महावीर गुलिया को बादली से टिकट दिया है। हरियाणा की रोहतक विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और मौजूदा समय में बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में रोहतक सीट पर बीजेपी के मनीष ग्रोवर ने 57,718 वोट हासिल कर विधायक चुने गए थे। मनोहर सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को बीजेपी ने फिर से रोहतक सीट पर उम्मीदवार बनाया है। 2014 में मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा को हराया था। इस बार कांग्रेस ने भी 2009 में विधायक रहे भारत भूषण बत्रा को मौका दिया है। जेजेपी ने राजेश सैनी और INLD ने पुनीत मायना को मौका दिया है। पूर्व CM बंसीलाल की विरासत को संभाल रही किरण चौधरी अपनी परंपरागत सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने उतरी हैं। 2009 से ही तोशाम सीट से किरण चौधरी जीतती आई हैं। 2014 चुनाव में उन्होंने INLD की कमला रानी को करीब 20,000 वोटों से हराया था। बीजेपी ने शशि रंजन परमार को चुनावी समर में उतारा है। JJP ने सीताराम को मौका दिया है, तो वही INLD ने कमला रानी को टिकट दिया है। बिश्नोई परिवार के वर्चस्व वाली आदमपुर सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चित सीट बनी हुई है। कुलदीप बिश्नोई को 52 साल से अपना पारिवारिक गढ़ रही आदमपुर सीट को बचाने की चिंता है। 1967 के पहले चुनाव में हरिसिंह जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, उसके बाद से इस सीट पर भजनलाल परिवार का दबदबा आज तक कायम है। बीजेपी ने यहां से TV कलाकार, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष और TikTok स्टार सोनाली फोगाट को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। TikTok पर सोनाली के लाखों फॉलोअर हैं और वो आए दिन TikTok पर वीडियो अपलोड करती हैं। JJP ने रमेश कुमार को प्रत्याशी बनाया है, तो INLD ने राजेश गोदारा को टिकट दिया है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला हल्के से चुनावी मैदान में हैं। उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है। पिछला चुनाव उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर कालका से लड़ा था। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक ज्ञान चंद गुप्ता से है। वहीं JJP ने अजय गौतम तो इनेलो ने करुणदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा थानेसर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरोड़ा ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामा है, इससे पहले INLD में थे। उनका मुकाबला बीजेपी विधायक सुभाष सुधा से है। JJP ने योगेश कुमार को उतारा है, तो वही INLD ने कलावती को टिकट दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अभय चौटाला एक बार फिर एलानाबाद से ताल ठोक रहे हैं। 2014 चुनाव में भी वो यहीं से जीते थे। अभय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पौड़ पुत्र हैं और हरियाणा के पूर्व CM OP चौटाला के छोटे बेटे हैं। INLD से अलग हुई JJP ने OP सिहाग को इस सीट से उतारा है। बीजेपी ने फिर पवन बेनीवाल और कांग्रेस ने भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दिया है। अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला JJP से उचाना कला में चुनावी मैदान में हैं। 2014 में वो INLD के टिकट पर हिसार से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और जीतकर 26 साल के सबसे युवा सांसद बने थे। 2014 में ही सांसद रहते हुए उचाना कला से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की प्रेमलता से हार गए थे। 2018 में INLD से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनाई है। लोग दुष्यंत चौटाला में ताऊ देवीलाल का अक्स देखते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दुष्यंत चौटाला का मुकाबला बीजेपी की मौजूदा विधायक प्रेमलता से ही है। कांग्रेस ने सीट पर बलराम कटवाल को टिकट दिया है। INLD से सतपाल चुनावी मैदान में हैं। मौजूदा विधायक नैना चौटाला इस बार बाडडा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार डबवाली सीट से INLD के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नैना चौटाला अजय चौटाला की पत्नी और दुष्यंत चौटाला की माँ है। उनका मुकाबला पूर्व CM बंसीलाल के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी रणवीर सिंह महेंद्रा और बीजेपी के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी से है। INLD ने इस सीट से विजय कुमार को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।